हेलो बच्चों, मेरा नाम पवन गुप्ता, टीम फिजिक्स सीएलसी सीकर। शुरुआत करते हैं हमारे दंगल 3 के सॉल्यूशन में, फिजिक्स का पार्ट 51 क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को एच हाइट से रिलीज किया जाता है, तो आपको बताना है कि अगर सी पॉइंट पे वो अपना कॉन्टैक्ट लीव करता है तो इस हाइट की वैल्यू क्या होगी। तो देखो, जितनी भी स्पीड वो यहाँ से रिलीज करने के बाद गेन करेगा, बी पॉइंट पर कितनी स्पीड आएगी, एनर्जी कंजर्वेशन से बी पॉइंट पर स्पीड आएगी √2gh। ठीक है, वे सारी की सारी पोटेंशियल किस में कन्वर्ट होगी, काइनेटिक में। फिर उसके बाद जब वो यहाँ आएगा तो इसके पास स्पीड कितनी बचेगी, हम मान लेते हैं वी डैश बचेगी। तो इन दोनों पॉइंट की हाइट में कितना डिफरेंस है, ये तो आर है और ये है आर का साइन 30 कंपोनेंट और ये कितना है आर। तो ये टोटल जो हाइट आएगी सी की वो कितनी आएगी, आर प्लस आर बाई टू, 3r/2। इसका मतलब मैं बी और सी में एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाता हूँ b2c तो क्या हो जाएगा, हाफ एम वी बी स्क्वायर बराबर यहाँ से कुछ पार्ट पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा, एम जी हाइट ऑफ सी प्लस हाफ एम वी सी स्क्वायर। तो ये देखो यहाँ से क्या आएगा, वी सी स्क्वायर हो जाएगा मेरे पास वी बी स्क्वायर माइनस 2g हाइट ऑफ सी। वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा, वी बी स्क्वायर कितना है 2gh माइनस 2gr प्लस r साइन 30 कितना होता है 1/2 यानी कि r/2। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3r/2 यानी कि 2gh माइनस 3gr है ना। तो ये आपका यहाँ पर जाएगा 2h माइनस 3r, ये वी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब देखो जिस पॉइंट पे कॉन्टेक्ट लीव होता है वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाता है। तो इसका मतलब इस सी पॉइंट पे, अब थोड़ा सा इसको डायग्राम को बड़ा कर देते हैं, मान लो यहाँ पे कॉन्टेक्ट लीव हुआ, ठीक है, और ये सेंटर यहाँ पे, तो देखो एम जी फोर्स इधर लगेगा है ना। ये एंगल अगर आपको 30 दिया हुआ है तो ये एंगल कितना होगा 60, मतलब इधर क्या आएगा एम जी का cos 60 कंपोनेंट और ये है वी है ना। अब देखो V को रिक्वायर्ड सेंट्रिपेटल फोर्स कौन कौन दे रहा है, एक तो mg cos 60, साथ में इधर एक और फोर्स आएगा, वो कौन सा आएगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो देखो इसमें एक नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा, तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन जो है वो ये वाला जो सरफेस है वो भी तो लगाएगी नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन और mg cos 60 दोनों किस तरफ हैं, सेंटर की तरफ, क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रिपेटल। तो सेंट्रल फोर्स की इक्वेशन बनाओगे तो क्या बनेगा, नॉर्मल प्लस mg cos 60 प्रोवाइड्स एम वी सी स्क्वायर बाई आर, ये है सेंट्रिपिटल फोर्स की इक्वेशन, एफ सी इक्वेशन। ठीक है, अब n जो है वो कितना है अपने पास, n की वैल्यू है यहाँ पर 0 क्योंकि कॉन्टेक्ट लीव करवाना है। ये हो जाएगा एम जी बाई 2 एम वी सी स्क्वायर, वी सी स्क्वायर कितना हो जाएगा इस केस में, देखो वी सी स्क्वायर यहाँ से 2gh माइनस 3gr, तो ये हो जाएगा 2gh माइनस 3gr वी सी स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड बाई r। तो m से m खत्म, g से g कॉमन आके कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसका मतलब सॉल्व करोगे इसको आगे, तो यही आगे सॉल्व होने पर आ जाएगा r बराबर ट्वाइस ऑफ 2h माइनस 3r, तो ये हो जाएगा 4h माइनस 6r बराबर r, तो h बराबर 7r/4, तो 7r/4 मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 51 का थर्ड, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना। थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था जिसमें आपको सबसे पहले तो ये कंसेप्ट ध्यान रखना है कि सी पॉइंट पे जो हाइट कॉन्टेक्ट लीव हो रहा है, कॉन्टेक्ट लीव होने का मतलब जो है वो हाइट जीरो होगी, नॉर्मल रिएक्शन जीरो का, नॉर्मल जीरो करने का मतलब सेंट्रल फोर्स केवल कौन प्रोवाइड करेगा, एम जी कॉस थीटा। ओके बेटा, 51 क्वेश्चन हो गया, आगे बढ़ते हैं 52 पे। 52 में ए और बी आपको दिए, तो ए का बी के अकॉर्डिंग कंपोनेंट बताना है। ठीक है, तो ये मान लो बी है और ये मान लो ए है, ए का कंपोनेंट बताना है बी के अलोंग, तो ए का कंपोनेंट मतलब कि ए कॉस थीटा बताना है। ए कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ए डॉट बी अपॉन बी, ए डॉट बी करेंगे तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, बी का वाई कंपोनेंट, ए का वाई कंपोनेंट बी का वाई कंपोनेंट को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1² + 1², तो कंपोनेंट कितना रहेगा 5/√2।
तो 5/√2 तो कहो कंपोनेंट आ रहा है ना, लेकिन कंपोनेंट वेक्टर फॉर्म में पूछा है तो अपन को इसकी डायरेक्शन भी तो लिखनी पड़ेगी ना। देखो ये ए कॉस थीटा तो केवल कंपोनेंट है, लेकिन उसने वेक्टर फॉर्म में पूछा तो पूरा कंपोनेंट क्या आएगा, ए कॉस थीटा, और उसकी डायरेक्शन आएगी बी का यूनिट वेक्टर। ए कॉस थीटा कितना है 5/√2, बी का यूनिट वेक्टर कितना आएगा आई प्लस जे डिवाइड बाई रूट टू, है ना। बी का यूनिट वेक्टर ये तो आएगा, बी का वेक्टर अपॉन बी के वेक्टर की वैल्यू, तो ये आएगा मेरे पास 5/2 आई प्लस जे। ठीक है, तो 5/2 आई प्लस जे ये मेरा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन हो जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा 5/2 है ना, सॉरी ये नहीं, आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, तो 52 का सेकेंड ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन। 53 में एक सॉलिड स्फीयर है जो इंक्लाइनेशन 30 डिग्री पे रोलिंग कर रहा है, म्यू की मिनिमम वैल्यू बतानी है ताकि इसकी जो वैल्यू हो और इसकी जो मोशन हो वो प्योर रोटेशनल मोशन हो। ठीक है, तो देखो इस केस में 53 में आपका जो म्यू होता है वो होता है टेन थीटा 1 + r² / k² ये आता है फॉर्मूला। तो टेन 30 डिग्री 1 + अब k² अपन r² सॉलिड स्फीयर के लिए होता है 2/5, तो उसको उल्टा करना है तो 5/2 कर दो, यानी कि ये हो जाएगा 2/7 और टेन 30 होता है 1/√3, तो 2/7√3 मेरा आंसर हो जाएगा इसका। तो 53 का आंसर क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा मेरे पास फोर्थ। ठीक है, तो 53 का मेरे पास 2/7√3 फोर्थ ऑप्शन हो गया, इसमें कोई कन्फ्यूजन। बच्चों नेक्स्ट आता है हमारा 54 में आपको एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है और इसमें आपसे एक्स की वैल्यू पूछी है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन को डायमेंशन से करना है, ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का सोच के नहीं करना है। ठीक है, अब इसमें देखो आपको यहाँ पे एक फंक्शन दिया हुआ है, देखो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर को माइनस करते हैं ना, तो अगर ये टी स्क्वायर है तो यहाँ भी टी स्क्वायर होना चाहिए डायमेंशनली, और तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या आएगा इसीलिए टी स्क्वायर आएगा, ऊपर क्या है डी टी, टी स्क्वायर का मतलब क्या होता है टी। अभी मैं डायमेंशन से कर रहा हूँ बस, तो टाइम की डायमेंशन से टाइम की डायमेंशन कट जाएगी, मतलब पूरा पैरामीटर क्या है डायमेंशनलेस। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो ए है ये जो राइट हैंड साइड है वो भी क्या आनी चाहिए डायमेंशनलेस। हमें पता है साइन इनवर्स एक एंगल होता है वो तो डायमेंशनलेस होता ही है, तो फिर ये जो ए है ए की पावर एक्स क्या होनी चाहिए जीरो, ताकि यहाँ पे ए, ध्यान रखना ए डायमेंशनलेस नहीं है पर हमें आंसर डायमेंशनलेस चाहिए, इसका मतलब ए की पावर क्या होनी चाहिए जीरो, आंसर क्या हो जाएगा थर्ड। ओके, 55 क्वेश्चन में आपको बोला है कि कौन सा लेंथ के लिए सबसे बेटर मेजरमेंट करता है। ठीक है, एक्यूरेसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रिसाइज, प्रिसाइज का मतलब होता है, देखो प्रिसाइज का मतलब होता है पॉइंट के बाद मैक्सिमम सिग्निफिकेंट फिगर किस में आएंगे, तो पॉइंट के बाद सबसे अच्छा सिग्निफिकेंट फिगर कौन होता है, वर्नियर कैलिपर जो 20 डिवीजन होता है स्लाइडिंग स्केल में, तो इसका डिवीजन जितने ज़्यादा होंगे उसका लीस्ट काउंट जो है उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट दैट कैन मेजर लेंथ टू विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना। देखो विद इन ए वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की वेवलेंथ जो होती है ना वो होती है 10⁻⁷ मीटर, है ना। स्क्रू गेज जिसका 1 mm पिच हो और 100 डिवीजन जो है इसमें हो तो इसका आता है 10⁵ मीटर का लिस्ट काउंट, है ना। तो देखो ज़्यादा लिस्ट काउंट जो है, सबसे कम लिस्ट काउंट किसका आ रहा है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का जिसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट का एक्यूरेसी है, वेवलेंथ ऑफ लाइट होता है 10⁻⁷ मीटर, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन है सेकेंड, है ना, एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसकी लेंथ इस तरह से प्रिसाइज है। 56 में बोलते हैं कि एक रुका हुआ पानी है उसमें 5 की स्पीड से नाव चल सकती है और 1 किलोमीटर लंबी रिवर है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ जो है वो आपको 15 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पानी की स्पीड बतानी है। देखो सिंपल सा कंसेप्ट है, जब आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ पे जाना होता है तो पर्सन फाइनल स्पीड जो है वो इस तरह से रखना चाहेगा, लेकिन उसको तैरना इधर पड़ेगा, पर्सन चाहेगा कि वो तैरे इस तरफ ताकि जो रिवर का कंपोनेंट है वो बैलेंस हो जाए, तो रिवर इस तरफ है पर्सन इस तरफ जाएगा, तो जो पर्सन का कंपोनेंट आएगा एक VP cos थीटा, थीटा इसको साइन थीटा मान लेते हैं, थीटा उधर से लिया अपन ने, और ये क्या आएगा VP cos थीटा। तो देखो शॉर्टेस्ट पाथ में क्रॉस कौन करवाता है, VP cos थीटा करवा रहा है ना, तो इसका मतलब टाइम जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी वाली, ये विड्थ जो है उसको डिस्टेंस बोला अपन ने, तो डिस्टेंस अपॉन VP cos थीटा। तो टाइम कितना दिया बेटा 15 मिनट, मतलब कि 1/4 आवर, तो 1/4 आवर तो टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस है 1 किलोमीटर, वीपी कितना दिया पर्सन की स्पीड 5%, यानी कि बोट की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर, और कॉस थीटा, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा इसका मतलब 4 बाई
फाइव, तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री, है ना। अब थीटा 53 हो गया, तो वीपी साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है, रिवर को, तो वीपी वी रिवर बराबर वीपी साइन थीटा, वीपी कितना है 5 और साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन सॉरी थीटा 37 आएगा ना इधर, है ना, कोस 37 के लिए 4/5 होती है, तो साइन 37, 37 होता है 3/5, तो 5 और 3/5 मेरा आंसर क्या जाएगा 3, 3 मतलब कि सेकंड ऑप्शन। तो रिवर में जो पानी के फ्लो की स्पीड है वो है सेकंड ऑप्शन 3 किलोमीटर पर आर, कोई कन्फ्यूजन इसमें 56 का 2। 57 बोला है कि एक पार्टिकल जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है और इसमें आपको ग्राफ दिया हुआ है वी और टाइम में, मास दिया हुआ है 2, वर्क डन बाय ऑल फोर्स है ना एक्टिंग ऑन पार्टिकल 0 to 10। देखो वर्क डन बाय ऑल फोर्स का सिंपल सा कंसेप्ट होता है, वर्क डन बाय ऑल होता है डेल्टा के, डेल्टा के मतलब हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्पीड किस तरह से चेंज हुई, कितनी चेंज हुई, आपको मास दिया हुआ है डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, फाइनल स्पीड क्या है -20, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इनिशियल स्पीड क्या है 10, तो मेरा आंसर आएगा 300 जूल और पॉजिटिव वर्क आ रहा है ना। तो 57 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। 58 आता है, ये बोल रहे हैं कि रेशियो मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम, देन इन दिस केस देखो पार्टिकल का मोमेंटम जो है ना, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम पे, है ना। तो एक बार फॉर्मूला लिखते हैं, मोमेंटम होता है एम वी, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी, तो एम से एम काटो वी से वी काटो, इसका मतलब वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बाई टू आ जाएगा, नहीं टू टी आएगा ना, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू टी, ये आ गया। अब इसका मतलब इसका जब एक्सेलरेशन करोगे तो डी वी बाई डी टी होगा ना, तो टू टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 2 टी की पावर 0, ऐसे ही तो आएगा। इसका मतलब टी की पावर 0 मतलब कि कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन आ रहा है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, फर्स्ट ऑप्शन हो गया 58 में। देखो बच्चों 59 क्वेश्चन में आपको ये बोला हुआ है कि चार बोल से है ना, बोल मतलब सॉलिड बोल है ना, 10 सेंटीमीटर रेडियस उन बोल की और डिस्क की रेडियस है 1 मीटर, है ना। तो इसको थोड़ा ऐसा समझो कि एक डिस्क है ना, उसके ऊपर आपने चार बोल जिनकी खुद की साइज भी है ना, और आप इस एक्सेस के अबाउट सिस्टम को घुमा रहे हो, तो सारी बोल के लिए एक्सेस जो है वो खुद के सेंटर से बाहर है ना। तो पहले तो आपको सिस्टम का इनर्शिया लिखना है आई नेट, तो सबसे पहले आपको आई डिस्क लिखना पड़ेगा प्लस आई बॉल्स लिखना पड़ेगा, डिस्क का इनर्शिया तो 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको डिस्क दिया हुआ है मासलेस, ठीक है। उसके बाद आपको बॉल्स का इनर्शिया लिखना है, तो बॉल्स के लिए खुद की सेंटर ऑफ मास की एक्सेस ये है, और ये एक्सेस इससे कितना दूर है, डी डिस्टेंस पे, तो बॉल्स के लिए इनर्शिया आएगा एम 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू डी स्क्वायर, बॉल का अपने डायमीटर का अबाउट इनर्शिया 2/5 एम आर स्क्वायर होता है ना, ऐसी चार बॉल है ना, तो ये कितने एक बॉल का लिखा भी तो है ना, तो इसका आंसर क्या आएगा सोल्व में, डी की वैल्यू, अब ये स्मॉल आर तो इसकी रेडियस मान लेते हैं, इसकी रेडियस को कैपिटल आर मान लेते हैं, है ना, बॉल की रेडियस क्या है स्मॉल आर, भाई ये रेडियस तो स्मॉल आर है और ये डी का मतलब क्या है कैपिटल आर है, ठीक है। तो सॉल्व करने पे अब जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो मास भी अलग अलग है, ध्यान रखना, तो सबसे पहले मैं फर्स्ट बॉल का इनर्शिया निकालता हूँ, तो 2/5 वन मास है ना, फिर इसकी खुद की रेडियस क्या है 0.1 का स्क्वायर, फिर 1 इंटू डी, डी कितना है 1 का स्क्वायर, तो कितना आएगा मेरे पास ये 0.01 और 0.4, तो यह आ जाएगा 1 प्लस 0.01 इंटू 0.4, तो यह जाएगा 1 प्लस 0.004 यानी कि 1.004, ये पहली बोल का इनर्शिया आया है ना। तो पहली बोल का इनर्शिया आपने निकाला इस थ्योरम से, ये वाली थ्योरम लगा के, ऐसे आप दूसरी बोल का निकालो फिर तीसरी बोल का निकालो, तो दूसरी बोल में कितना आएगा यहाँ 2 आएगा ना, है ना, तो दूसरी बोल का इनर्शिया निकालेंगे ऐसे ही, तो दूसरी बोल का इनर्शिया आ जाएगा मेरे पास 2/5 2 इंटू 0.1 का स्क्वायर है ना प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आएगा 4/5 यानी कि 0.8 है ना 0.01 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 2.008, ये दूसरी बॉल का इनर्शिया आएगा। इसी तरह से तीसरी बॉल का इनर्शिया लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, तो तीसरी बॉल का इनर्शिया में आएगा 2/5 3, यहाँ 3 लिख देंगे ना, तो 3 यानी कि 1.2 है ना, तो तीसरी बॉल का इनर्शिया आएगा मेरे पास I3
है ना, 2 by 5 3 r, r कितना है 0.1 का स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 नहीं 3 है ना इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया है 3, और ये हो जाएगा 3 दो 6 1.2, 1.2 यानी कि उसमें फिर 0.01, तो 3.012 ये आ जाएगा आंसर। फिर उसके बाद मेरा आंसर आएगा 4, तो 4 के केस में आ जाएगा, देखो अब ऐसे सिमेट्री बना लेते ना, 4 4 बटा 4 से 8 हुआ, फिर 8 से 12 हुआ, तो चौथे वाले में क्या हो जाएगा 16 है ना, तो इसका मतलब, यहाँ पे आएगा मेरे पास i4 आ जाएगा मेरे पास 4.016। अब इन सबको जोड़ दो तो देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है 1.004, फिर 2.008, 3.012 और 4.016, तो 8 4 12 12 24 और 16 40, और ये हो जाएगा 4 3 7 10, तो आएगा 10.040, तो मेरा आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन इजी है ना, पहले 4 बॉल का इनर्शिया निकालना है और वही जो 4 बॉल का इनर्शिया वही अपना आंसर है 59 में। अगला आता है 60 में बोला है कि आर रेडियस का एक बुलबुला जो है वो आइसोथर्मल कंडीशन में 2 आर रेडियस तक फुलाते हैं, तो इसमें कितनी एनर्जी खर्च होगी। देखो कितनी एनर्जी खर्च होगी, सिंपल सा है, टी डेल्टा ही करना है ना। अब बबल में ध्यान रखना दोनों तरफ का रेडियस आती है, मतलब दोनों तरफ का एरिया, इनर और आउटर सरफेस का एरिया आता है, तो इनर सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा 4 पाई r in r out। अच्छा इसमें इनर और आउटर सरफेस तो सेम ही होती है ना, तो डबल एरिया लेना है, तो 4 पाई r square तो एक तरफ का एरिया है और ऐसी 2 सरफेस है ना। अब इसमें भी देखो ये तो फाइनल रेडियस है ना, इनिशियल रेडियस क्या हो जाएगी ट्वाइस ऑफ 4 पाई r initial square, ये आ गया, तो देखो 8 पाई t, ये तो आ गया। आर फाइनल क्या है 2 r का square माइनस आर इनिशियल आर का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 पाई t 3 r square, 24 पाई t r square, तो 24 पाई t r square यानी कि फोर्थ ऑप्शन हो गया मेरा 60 का फोर्थ ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन है ना। तो ये अपना यहाँ तक शुरू के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं अपन अपना 60 के बाद 61 पे है ना, तो 61 पे आते हैं। 61 में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है उसको मैक्सिमम 50 मीटर तक फेंक सकते हैं है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट जिसका मास डबल है और दोगुनी स्पीड से फेंकते हैं है ना। देखो मास पे डिपेंडेंसी आती नहीं है, एच का फॉर्मूला होता है यू, एच जो है वो यू स्क्वायर पे डिपेंड करता है, कैसे फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर बाई 2g, तो मास का तो कोई फर्क नहीं है ना, तो खाली यू का इफेक्ट देखो, आपने यू को क्या किया डबल, तो इसका मतलब एच अपॉन एच डैश बराबर यू अपॉन 2u square, कितना आएगा 1/4, मतलब एच डैश इज 4 times of h, तो पहले कितना 50 का 4 गुना कितना हो जाएगा 200, सेकेंड आंसर हो गया। ठीक है, तो 61 का सेकेंड। 62 में m2 ब्लॉक जो है इसका मैक्सिमम वेलोसिटी आपको बतानी है, मैक्सिमम वैल्यू बतानी है ताकि ब्लॉक जो है वो कांस्टेंट यानी कि सिस्टम रेस्ट पर रहे। तो देखो m2g जो है वो सिस्टम को चलाना चाह रहा है, रोकना कौन चाहेगा, f1 की मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन, ये टेंशन t है, ये भी t होगा, तो इस रस्से पे कितना आएगा t/2, इधर कितना आएगा t/2, तो इधर t/2 इसके वेट को बैलेंस करेगा ना, इसका मतलब t/2 जो है एक तो m2g को बैलेंस कर रहा है, m2 के लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूंगा तो इससे t कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ m2g, फिर मैं m1 के लिए इक्वेशन लिखूं तो m1 के लिए टेंशन किसको बैलेंस करेगा f1 पे जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो टेंशन है ट्वाइस ऑफ m2g म्यू m1g, जी से जी कट जाएगा, तो इसका मतलब मेरे पास m1 और ब्लॉक के बीच में म्यू पूछा है तो म्यू की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास ट्वाइस ऑफ m2 by m1, ट्वाइस ऑफ m2 by m1 यानी कि अच्छा m2 की वैल्यू पूछी ना, ओके m2 की वैल्यू पूछी तो m2 कितना हो जाएगा, m2 हो जाएगा इससे म्यू m1 by 2, तो म्यू m1 by 2 यानी कि मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 62 में। ठीक है, तो 62 का कौन सा हो गया अपना फर्स्ट ऑप्शन, कोई कंफ्यूजन इसमें बेटा। 63 में आपको बोला है कि 2 बॉल्स एक दूसरे से टकराती है ई के किस वैल्यू के लिए गेंद सेकेंड बॉल की वेलोसिटी फर्स्ट बॉल से डबल हो जाए। ठीक है, तो आपको ई और देखो दूसरी जो है ना आइडेंटिकल बॉल है लेकिन रेस्ट पे है,
मतलब सबसे पहले इसकी स्पीड मान लिया जीरो और ये रेस्ट पे है, फिर मान लिया बॉल वन की वेलोसिटी वी है, तो टू की वेलोसिटी जो है वो कितनी करनी है मुझे, टू वी, है ना, ये आफ्टर कोलिजन कंडीशन है। तो सबसे पहले पी इक्वेशन लगा दो, मोमेंटम तो कंजर्व रहेगा ना, एम इंटू यू प्लस एम इंटू जीरो एम इंटू वी प्लस एम इंटू टू वी, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ये m तो कट जाएगा, मतलब कि u बराबर v प्लस टू वी, यानी कि v बराबर u बाई थ्री, ये आ गया। अब e की वैल्यू बतानी है ना, तो e की वैल्यू बतानी है, तो e कितना हो जाएगा, e हो जाएगा v2 माइनस v1 अपॉन u, v2 कितना है 2u बाई थ्री माइनस ऑफ u बाई थ्री अपॉन u, तो ये हो जाएगा 1 बाई थ्री, मेरा आंसर हो गया फर्स्ट ऑप्शन। तो सिंपल, देखो जितने भी कोलिजन के क्वेश्चन होते हैं वो सब पी इक्वेशन और ई इक्वेशन से होते हैं, है ना, तो आपका आराम से इसमें जो क्वेश्चन 63 में है उसमें फर्स्ट आंसर आ रहा है, दो इक्वेशन काम में लेने पे, इसमें कोई कन्फ्यूजन बेटा, है ना, काफ़ी इजी चल रहा है। 64, प्रोजेक्टाइल मोशन में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन में जब ऑब्जेक्ट को हम फेंकते हैं ना, तो थ्रू आउट द मोशन ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लग रहा होता है एम जी हर पॉइंट पे, इवन टॉप पॉइंट पे भी लगता है। तो जब फोर्स अगर mg लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी तो कांस्टेंट है, तो इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, 64 का फर्स्ट ऑप्शन, है ना। अब फर्स्ट ऑप्शन जब कंफर्म सही है तो बाकी ऑप्शन चेक करने का कोई मतलब भी नहीं, क्योंकि एक ही तो सही होता है। हाँ, बस ये देख लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि बोथ वन एंड टू, बोथ ऑल ऑफ दीज, ऐसा तो नहीं है ना, तो ऐसा नहीं है, मतलब फर्स्ट सही है, बाकी रूप भी देख लेते हैं कि वो पॉइंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट एवरीवेयर एक्सेप्ट द हाईएस्ट पोजिशन, गलत बात है, हाईएस्ट पोजिशन पे भी एक्सेलरेशन जो है वो जी ही होता है, तो ये गलत हो गया। एक्सेलरेशन इज नेवर परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, गलत है भाई, टॉप पॉइंट पे देखें तो वेलोसिटी इधर होती है, एक्सेलरेशन जी परपेंडिकुलर होता ही है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना एकदम सही हो गया। अगला 65 में दो मास हैं और उनमें रेडियस आर और स्मॉल आर है, है ना, उनके कॉमन सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे आपको बताना है पोटेंशियल। देखो बहुत सिंपल सा है कि कोई भी मास हो स्मॉल एम और कैपिटल एम, है ना, और इसमें स्मॉल आर और ये कैपिटल आर, आपको इस एक्स डिस्टेंस, ये एक्स डिस्टेंस कोई ले ली मैंने और उस पर मुझे पोटेंशियल बताना है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, तो ए पे पोटेंशियल जो होगा वो एक तो बाहर वाले स्फेयर की वजह से कितना आएगा, सरफेस जितना, तो माइनस जी एम बाई आर, अंदर वाले की वजह से कितना आएगा, अंदर वाले के लिए तो पॉइंट बाहर हुआ ना, तो माइनस ऑफ जी एम बाई स्मॉल एक्स, ये आ गया, तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस जी स्मॉल एम, जी बाहर आ जाएगा, कैपिटल एम बाई आर स्मॉल एम बाई एक्स, ये थर्ड ऑप्शन आ गया मेरा 65 का थर्ड। 66 में बोला है कि इनर रेडियस दिया भाई 20 से पानी लगातार निकल रहा है और पानी की वेलोसिटी इतनी है, तो इतने नीचे आने के बाद इसमें डायमीटर कितना हो जाएगा। देखो समझना, जैसे कोई भी टोटी है ना, तो देखो बेटा जैसे जैसे यहाँ पानी नीचे आएगा ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ेगी, तो इस केस में जो V2 है वो V2 कैसे निकालोगे आप, V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2GH, ये H मतलब क्या है, डिस्टेंस जो पानी गिर रहा है वो, तो V1 स्क्वायर कितना दिया आपको 0.04, तो 0.04 का स्क्वायर प्लस 2G कितना आएगा, G आएगा अप्रोक्स आपके पास 10 ले लेते हैं, और H कितना दिया आपको, H दिया है 8 × 10⁻¹, तो ये आ जाएगा 0.04 का स्क्वायर, तो ये रहेगा 16 × 10⁻⁴ प्लस 16, है ना, तो V2 में, अब देखो ये तो बहुत छोटी वैल्यू ना, तो V2 जो है वो स्क्वायर रूट करोगे तो 16 + 0.0016, तो अप्रोक्स ये 4 के आसपास आ जाएगा, है ना। तो A1 V1 बराबर A2 V2 अगर लगाओगे तो आपको क्या पूछा, डायमीटर पूछा है, तो A1 V1 भाई कंटिन्यूटी इक्वेशन लगाएंगे ना, A2 V2, A1 कितना हो जाएगा D1 का स्क्वायर V1, D2 का स्क्वायर V2, अब D2 पूछा है तो क्या हो जाएगा D1 V1/V2 का स्क्वायर रूट, तो D1 कितना दिया आपको, इंटरनल डायमीटर जो है वो, यानी कि इनिशियल डायमीटर है 8 × 10⁻³। V1 कितना है, V1 दिया आपको 0.04, तो 0.04, V2 कितना दिया है, V2 अप्रोक्स 4 आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 8 × 10⁻³, और यहाँ 10⁻², बच जाएगा अंदर 10⁻², बचेगा तो 8 × 10⁻⁴ आ जाएगा,
10 पर माइनस 4 मतलब कि मेरा आंसर आ गया इसका थर्ड ऑप्शन, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो 66 का आंसर क्या है, थर्ड ऑप्शन आ रहा है, एग्जाम कैलकुलेशन से एग्जैक्ट आ रहा है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन करना पड़ेगा। तो उसने ऑप्शन में लिखा है कि क्लोज टू, मतलब क्लोज टू मतलब आपको अप्रोक्सीमेशन इसका करना है। 66 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, तो यहाँ पे एक तो इक्वेशन ऑफ मोशन काम में लेना है, उससे पता चलेगा स्पीड बढ़ेगी, है ना। स्पीड बढ़ेगी तो देखो अपना आंसर घट के आना चाहिए ना। ये 67 में आपको बोला है कि एक वायर जो है वो लटका हुआ है, 200 न्यूटन वेट से जब लटकाते हैं 1 मिलीमीटर का उसमें एक्सटेंशन आता है, तो इसमें एनर्जी कितनी आएगी। देखो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जो आप स्प्रिंग का फॉर्मूला याद करते हो ना एनर्जी का, वो ही याद करो, हाफ के एक्स स्क्वायर। इसमें तुम ऐसा करो, आपको क्या दिया, फोर्स दिया है, एलोंगेशन दिया है, तो के एक्स को एक साथ रखो और एक एक्स अलग कर दो, क्या हो जाएगा, हाफ फोर्स इंटू एक्स। अब देखो फोर्स कितना दिया है 200, एलोंगेशन कितना दिया है 1 mm, को कन्वर्ट कर लो, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 100 10 पर माइनस 3, यानी कि 0.1 जूल। फर्स्ट ऑप्शन हो गया 67 का, हो गया। फिर उसके बाद 67 में फर्स्ट ऑप्शन आने के बाद हम आते हैं 68 पे। 68 में कैपिलरी में 5 सेंटीमीटर हाइट तक लिक्विड चढ़ता है और इस प्रकार रखते हैं कि केवल 3 सेंटीमीटर बाहर आता है। देखो इनसफिशियंट लेंथ जब होती है ना, आपको दिया कि कैपिलरी में इतना हाइट तक पानी राइज कर रहा है ऐसे, ठीक है। जब इनसफिशियंट लेंथ की कैपिलरी होती है तो ध्यान रखना उसमें कैपिलरी में पानी जो है वो चढ़ेगा तो पूरा जो लेंथ अवेलेबल है ना सारी वो गेन कर लेगा। बस यहाँ ध्यान रखना कि जो कॉन्टैक्ट एंगल है ना, पहले वाला कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा 1 था, बाद वाला कॉन्टैक्ट एंगल अगर थीटा 2 है, तो देखो अपने पास एक कंसेप्ट क्या होता है भाई, बेसिकली रो जी एच बराबर 2t cos θ/r होता है। अब आर कॉन्स्टेंट, टी कॉन्स्टेंट, रो कॉन्स्टेंट, जी कॉन्स्टेंट, तो यहाँ पे एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, या कॉस थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच हो जाएगा। अब यहाँ एच कम है ना, एच अगर आपने कम किया तो इधर से तो एच घट गया, इधर से कौन घटेगा, कॉस थीटा। कॉस थीटा कब घटेगा, जब थीटा बढ़ेगा, तो थीटा बढ़ेगा इसका मतलब थीटा 2 जो है वो पक्की बात है थीटा 1 से ज़्यादा आएगा। तो याद रखना कॉन्टैक्ट एंगल थोड़ा सा चेंज होता है उस केस में, तो कॉन्टैक्ट एंगल बढ़ रहा है, लेकिन ध्यान रखना बढ़ते बढ़ते भी 90 जितना नहीं होगा, रहेगा 90 से कम, मतलब थीटा 2 जो है वो अभी भी 90 से कम है, बट थीटा 1 से ज़्यादा है, इतना ध्यान रखना। तो 68 का थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन। फिर आते हैं 69 पे, ये बोल रहे हैं कि यदि सारी डायमेंशन को हम ट्रिपल कर दें तो L कितना हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस है ना, और इसमें स्मॉल n को इसने कॉन्स्टेंट माना है। तो देखो कैपिटल n का फॉर्मूला होता है μ0 n² एरिया इंटू लेंथ। अब एन तो कॉन्स्टेंट मान दिया, अब सारी डायमेंशन आप ट्रिपल कर रहे हो, मतलब रेडियस ट्रिपल कर रहे हो, लेंथ ट्रिपल कर रहे हो, तो μ0 n² एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा आपके पास, देखो आप डायमीटर अगर ट्रिपल करोगे ना तो एरिया हो जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, और लेंथ हो जाएगी 3L, तो टोटल आंसर आएगा 27 गुना। 27 गुना यानी कि 69 का थर्ड ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन। 69 का जैसे थर्ड ऑप्शन आता है ना, सिंपल ध्यान रखना आपने क्या क्या ट्रिपल किया है, रेडियस को 3R किया, इसका मतलब एरिया डेज जो हो जाएगा वो 9 टाइम्स हो जाएगा। साथ ही इसके अलावा आपने और क्या किया, आपने लेंथ को जो है वो 3L किया है, मतलब सोलनेट की लेंथ 3 गुना बढ़ा दी। स्मॉल एन चेंज नहीं करना, उन्होंने पहले मेंशन कर दिया, ठीक है। 70 में आपको बोला है कि रेजिस्टेंस जो है 5 हेनरी कोयल है, 220 ओम का रेजिस्टेंस है, कुंडली को 200 वोल्ट की बैटरी से अपन जोड़ रहे हैं, तो इसमें कितनी एनर्जी मैक्सिमम स्टोर होगी। तो देखो कोयल में मैक्सिमम एनर्जी स्टोर कैसे निकालोगे, आप उसमें करंट निकाल लो ना, तो यू होता है ½ L I² हाफ एल कितना है दिया हुआ है 5, आई कितना आएगा 200 वोल्ट की सेल है, 20 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसका स्क्वायर कर दो तो ये कितना हो जाएगा 2.5 और 10 का स्क्वायर 100, यानी कि 250 जूल। तो 250 जूल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आ गया 70 में, कोई कन्फ्यूजन बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट था आपका, हाफ एल आई स्क्वायर आई कैलकुलेट करना है बस आपको। इस कॉइल में ध्यान रखना एल भी है और आर भी है, ठीक है। 70 में बोला है कि एक एसी एमीटर को आप किसी सर्किट में काम में ले रहे हो और उसमें एक डायरेक्ट करंट फ्लो करवा रहे हो, तो एसी एमीटर जो है वो 6 एम्पीयर रीड करता है। ध्यान रखना डायरेक्ट करंट में जो 6 एम्पीयर रीड हुआ है वो एसी एमीटर बेसिकली आरएमएस वैल्यू पढ़ते हैं, पर डायरेक्ट करंट की आरएमएस वैल्यू उसकी पीक वैल्यू और एवरेज वैल्यू सब बराबर होती है, तो मतलब डीसी कितना है 6 एम्पीयर। फिर दूसरा सर्किट में फ्लो करवा रहे हैं तो 8 एम्पीयर जो है वो आरएमएस आता है, ठीक है। ध्यान रखना आरएमएस कितना आता है 8। अभी बोल रहे हैं कि दोनों अगर आप एक साथ फ्लो करवाओगे तो रीडिंग क्या होगी, देखो पहली जो करंट है I1 वो है 6, I2 जो है वो 8 एम्पीयर बेसिकली क्या है आरएमएस वैल्यू है,
तो इसका मतलब आई टू क्या आ जाएगा, 8√2 sin ωt, ऐसी कोई करंट आएगी इक्वेशन वाइज। अब आपने नेट दोनों को एक साथ ले लिया तो I1 + I2 हो जाएगा, यानी कि 6 + 8√2 sin ωt। अब इसकी जब RMS वैल्यू निकालनी होती है ना, तो इसका एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है IRMS में, है ना। आप इसका देखो, करंट का जो आप इक्वेशन का RMS लोगे, कैसे लोगे, आप पहले 6 + 8√2 sin ωt का स्क्वायर करके फिर उसका एवरेज निकालोगे, है ना। तो इसका एवरेज कितना जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36, 8√2 का स्क्वायर हो जाएगा 64 × 2, यानी कि 128 sin² ωt। फिर एक टर्म आएगी मेरे पास 848, 96√2 sin ωt। अब मुझे इस पूरे का एवरेज करना है, पूरे का एवरेज करना है तो देखो इसका सिंपल सा तरीका है, 36 का एवरेज 36 रहेगा, 128 एज इट इज, साइन स्क्वायर का एवरेज होता है 1/2, और 96 एज इट इज, 96√2 एज इट इज, साइन का एवरेज होता है 0। तो कितना हो जाएगा, 164 36, 36 + 64 कितना हो गया आपके पास, ये 100, 100 का कितना रहेगा 10, तो ये मेरा थर्ड आंसर आ गया। वैसे इस तरह के इक्वेशन में इसको अगर मैं ऐसे कंपेयर करूं A + B sin ωt, तो ध्यान रखना इसके RMS का एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है ना, मतलब आता खैर इसी तरह से, पर डायरेक्ट याद रख सकते हो, क्या याद रखोगे, A² + B² / 2, ध्यान रखना ये होता है, ठीक है। तो आपको अगर डायरेक्ट ही फॉर्मूला याद है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो, है ना, जिसको नहीं याद है उसके लिए मैंने पूरा सॉल्व कर दिया, ओके। 71 का आंसर हो जाएगा अपना थर्ड ऑप्शन। फिर अगला आता है 72, ये बोल रही है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में RMS ये है, तो पीक वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो, E बराबर क्या होता है, B × C, तो B बराबर क्या हो जाएगा, E/C। अब E0 बताना है, तो E0 को क्या लिखोगे, RMS का √2 × C, तो √2 RMS है 6 और C 3 × 10⁸, कितना हो जाएगा, 2√2 × 10⁻⁸, यानी कि 2√2 होता है 1.414, उसका डबल करोगे तो 2.8 समथिंग आएगा, तो 2.8 और 10⁻⁸ सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा 72 में, ओके। आगे बढ़ते हैं 73 में, एक तार है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसको एक सर्कल में मोड़ दिया और एन टर्न्स में जब मोड़ रहे हैं, तो देखो सिंपल सा कंसेप्ट, क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है ना। एक तार से जब आप एक लूप बनाते हो तो एल बराबर होता है 2πr, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, L/2π। फिर बाद में उसी से आपने ऐसे n लूप बना दिए, तो l कितना है, n × 2πr′, तो r′ कितना हो जाएगा, L/(n×2π). अब यहाँ पे B/B′ बोलना है, तो B/B′, b कितना है इसमें, देखो पहले वाले के लिए μ0 एक टर्न है I/2r, L/2π, बाद में ऐसे आपने कितने टर्न रखे, n टर्न कर दिए, तो n लिख दो, I लिख दो, 2L/2πn आ गया। तो देखो n और n ऊपर जाएगा तो 1/n² आया, यानी कि B′ = n² × B, ये आ गया, तो n² b, यानी कि सेकेंड ऑप्शन आ गया 73 में, इसमें कोई कन्फ्यूजन। फिर आता है 74 में, आपको R रेडियस की दो कोयल दी हुई है और इसको इस तरह से रखते हैं कि इनमें प्लेन परपेंडिकुलर है, करंट जो है वो I/2 I, तो मैग्नेटिक फील्ड बताओ। देखो एक कोयल जो है ऐसे, एक कोयल ऐसे, दोनों की रेडियस क्या है, सेम, समरूप मतलब आइडेंटिकल, कोयल का मतलब क्या है, रेडियस सेम है। अब देखो जो कोयल में करंट ऐसे जा रही है I, और जिसमें करंट ऐसे जा रही है 2I, तो इस I वाले की करंट का मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर, और जो 2I वाला है उसका मैग्नेटिक फील्ड आएगा इधर B2, और ये आएगा B1, ये फर्स्ट कोयल और ये सेकेंड कोयल। तो इसका मतलब नेट फील्ड क्या आएगा, नेट फील्ड आएगा B₁² + B₂² एक कोयल का फील्ड क्या होता है, μ0 I/2r² + μ0 करंट कितनी है, 2I/2r² तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, μ0/2r, I बाहर और √5 और आ जाएगा साथ में, है ना। तो इसका मतलब √5 μ0 I/2r मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया 74 का, कोई कंफ्यूजन बच्चों। आपको यहाँ पे एक अगले क्वेश्चन में एक शॉर्ट बार मैग्नेट है, उसको अपन मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ उसका नॉर्थ पोल रख रहे हैं, है ना। तो देखो अर्थ के केस में, है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किधर आता है, ये आता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, तो नीचे की तरफ आता है, साउथ पोल इधर आता है। अब आपने नॉर्थ पोल की तरफ
इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा हुआ है। तो देखो ऐसे समझो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर आता है, ऐसे ऊपर की तरफ आता ना यूं, और इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। तो इसका अब देखो मैग्नेट पे जो फील्ड बन रहा ना, थोड़ा इस डायग्राम को यहाँ देखते हैं, ये मैग्नेट रखा है इस तरह से, अर्थ के फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे ऊपर की तरफ है ना, और अपना ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बन रहा है यूं। तो देखो एक्सिस पे तो ये अपोज कर रहा है फील्ड एक दूसरे को, और इक्वेटर पे सपोर्ट कर रहा है, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे आएंगे, न्यूट्रल पॉइंट आएंगे एक्सिस पे। तो इसका मतलब अभी जो न्यूट्रल पॉइंट आया वो कितना दूर आया, आर डिस्टेंस पे। तो कैसे निकालोगे इसको कि बी एच को कौन बैलेंस कर रहा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m अपॉन r³ आ गया आर डिस्टेंस पे। अभी ऑलरेडी आपने इसको 180 घुमा दिया, 180 घुमा दिया मतलब मैंने नॉर्थ पोल को इधर कर दिया, साउथ को इधर कर दिया। बी एच तो अभी भी ऐसे ही था ना, लेकिन देखो अब ये मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब मान लिया आर डैश पे बैलेंस हुआ तो बी एच किधर आएगा, बी मैग्नेट का नीचे आएगा और अर्थ का ऐसे ऊपर आएगा। तो वापस यहाँ देखो बी एच को कौन बैलेंस करेगा, इक्विटोरियल वाला फील्ड। इक्विटोरियल वाला फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम अपॉन आर डैश का क्यूब। अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को कंपेयर करें तो इसका अंदर 2 बाई r³ और 1 बटा r³ इक्वल होना चाहिए, तो 2 बाई r³ और 1 बटा r² का क्यूब, तो आर डैश कितना हो जाएगा, 2³ r। तो ये हो गया अपना 75, तो 2³ r ये अपना आंसर आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 75 क्वेश्चन में जो है वो आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो अर्थ वाला नॉर्थ पोल बोला एक दूसरा है ना, ठीक है। आगे बढ़ते 76 में, आपको मेटलिक सरफेस को लैम्डा से इंसिडेंट करवाते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आता है, वी 2 लैम्डा से करवाते हैं तो V/4। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछा है, देखो ई बराबर क्या होता है, 5 + EVS है ना, ये हो जाएगा SC/λ, SC/λ0 E × V पहली इक्वेशन। बाद में इन्होंने लैम्डा को बढ़ा के 2 लैम्डा कर दिया, तो SC/λ0 ई की वैल्यू ये क्या हो जाएगा, V/4। अब देखो मुझे लैम्डा नॉट बताना है, वी को एलिमिनेट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके 1 को माइनस करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 4 SC/2λ - SC/λ, 4 SC/λ0 - SC/λ0, ठीक है। और ये तो कट के EV/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -EV कट के 0 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 HC/λ - SC/λ बराबर 3 HC/λ0। तो ये कितना हो जाएगा, लेमडा नोट बराबर 3 लेमडा। 3 लेमडा मतलब मेरा आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन 76 का, इसमें कोई कंफ्यूजन, तो 76 का थर्ड ऑप्शन आ रहा है ना। फिर अगला आ रहा है 77 में, आर अगर रेडियस है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी होगी। देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालने का तरीका क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ना, और हाइड्रोजन बोला तो Z1 हो जाएगा, तो इसको जो स्पीड मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, इसके अट्रैक्शन फोर्स से है ना। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स जो आप लिखोगे ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्या आएगा, अट्रैक्शन फोर्स प्लस ई और माइनस ई के, अट्रैक्शन फोर्स इतना आता है। तो इससे एक आर तो कट गया। अब आपको काइनेटिक पूछा ना, तो ½mv² बराबर KE² / 2R, भाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, KE² / 2R। 77 का सेकेंड ऑप्शन, इसमें कोई कन्फ्यूजन, 77 का सेकेंड ऑप्शन ये अपना आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं अपन 78 पे। 78 में बोला है कि रेडियो एक्टिव मटेरियल में T=0 पे इतने न्यूक्लियस है, 8 × 10⁴, हाफ लाइफ ये है, कितने टाइम बाद एक रह जाएंगे। तो देखो सिंपल सी बात है, 8 से 2 4 होंगे, 4 से 2 होंगे और 2 से 1 होंगे, तो कितनी हाफ लाइफ लगी, T, T और T, 3 हाफ लाइफ। 3 हाफ लाइफ मतलब कि 3 × 3 9 साल, ये डायरेक्ट हो गया। देखो इतना इजी क्वेश्चन है ना, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी बेटा, क्वेश्चन को फटाफट करना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है, 9 साल लगेंगे। भाई पहले 8 से 4 होगा, भाई पहले 8 थी ना, तो 8 से पहले 4 करो, फिर 4 से 2, फिर 2 से 1, हर हाफ लाइफ में आधा करना होता है। 79 में 2 पोलराइड P1 P2 ऐसे रखें कि इनकी एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है ना, और तीसरा पोलराइड जो है वो आपने P3 को P1 P2 के जो 45 डिग्री एंगल पर रखा हुआ है। देखो सिंपल सी बात है, ये है P1, ये है P3 और ये है P2, ये एंगल कितना है 45, ये एंगल कितना है, ये भी 45, क्योंकि इन दोनों का 90 था ना। अब देखो यहाँ I0 है तो यहाँ कितना आएगा, I0 / 2,
तो आई थ्री कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई टू का कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, यानी कि आई नॉट बाई फोर हो जाएगा। फिर आई टू, आई टू जो यहाँ का आउटपुट आएगा वो आई टू है और यहाँ का आई थ्री है, तो आई टू कितना हो जाएगा, आई थ्री कॉस स्क्वायर 45, तो आई नॉट बाई फोर और 1/2, तो आई नॉट बाई एट थर्ड ऑप्शन हो गया 79 में। तो 79 का हो गया थर्ड। इसके बाद आते हैं 80 पे। 80 में आपको नॉर्मल एडजस्टमेंट के इसमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की जो लेंथ दिया हुआ है वो 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है और इसकी जो मैग्नीफाइंग पावर हो 17 है। तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ बतानी है। तो देखो नॉर्मल एडजस्टमेंट कंडीशन मतलब ये होता है कि आपका जो पैरेलल लाइट का याद दिया हुआ ना, मतलब कि इनफाइनाइट से ऑब्जेक्ट आ रहा है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है और फाइनल इमेज भी कहाँ बनानी है, इनफाइनाइट पे। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट एंड आई टू जो कि फाइनल इमेज है वो भी कहाँ, इनफाइनाइट पे। तो इस केस का मैग्निफिकेशन होता है एफ ओ बाई एफ ई, कितना दिया हुआ है 17 है ना। और ये बोला है कि लेंथ ट्यूब की, ट्यूब लेंथ क्या होता है, एफ ओ प्लस एफ ई, कितना दिया हुआ है 90 है ना। इसका मतलब एफ ओ एफ ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ओ को लिख सकता हूँ 17 टाइम्स ऑफ एफ ई प्लस एफ ई बराबर 90, तो एफ ई कितना आ जाएगा 5। तो देखो बच्चों एफ ई कितना आ रहा है 5, एफ ई 5 मतलब कि पहले आईपीस का देना है, एफ ई 5 और ऑब्जेक्टिव कितना आ रहा है 85, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 80 का 4th, इसमें कोई कन्फ्यूजन। 80 का 4th के बाद आपका आता है 81। 81 में आपको बोला है कि एक ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर के कॉनकेव मिरर के सामने 10 पे रखा है, तो 10 पे तो आपने ऑब्जेक्ट रख दिया, आर कितना दिया है 15, तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा इसका 7.5, और सी कितने पे 15 पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखा है, एफ और सी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखें, ध्यान रखना, तो कॉनकेव मिरर क्या करता है, बड़ी उल्टी इमेज बनाता है, बड़ी और उल्टी इमेज, तो बड़ा मैग्निफिकेशन तो एक ही है और उल्टा जो है वो -3 एक में आ रहा है, तो इसको सॉल्व नहीं करना है बेटा, केवल ये देखो कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 है, ऑब्जेक्ट 10 पे रख रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो गया, सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट रखें तो उसकी उल्टी और बड़ी इमेज बनती है, ध्यान है ना। तो उल्टी और बड़ी इमेज मतलब उल्टा मतलब नेगेटिव और बड़ा मतलब एक से ज्यादा, एक ही ऑप्शन है नेगेटिव और एक से ज्यादा। 81 का आंसर क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट। 82 में आपको बताना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ बन रहा है। तो देखो ये बनेगा ए प्लस बी, ये बनेगा ए डॉट बी का बार, और ये मल्टीप्लाई कर रहा है दोनों को, तो ए प्लस बी डॉट ए डॉट बी का बार, तो ए प्लस बी ए बार प्लस बी बार मल्टीप्लाई करो, ए डॉट ए बार, ए डॉट बी बार, बी डॉट ए बार, बी डॉट बी बार, ये हो जाएगा 0, ये भी 0, तो मेरे पास क्या बन गया एक्सोर गेट, ये तो एक्सोर गेट होता है बचा हुआ भाई, ये चीज़ तो 0 हो जाएगी ना, ये चीज़ भी 0 हो जाएगी, तो बचा जो है फंक्शन ये क्या होता है, ये होता है एक्सोर। तो मेरा आंसर हो जाएगा 82 का सेकेंड। आगे बढ़ते हैं 83। एन टाइप के सेमीकंडक्टर के लिए कौन सा सही है। देखो एन टाइप में मेजोरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लेकिन डॉपिंग पेंटावेलेंट होती है, ध्यान रखना, तो इलेक्ट्रॉन मेजोरिटी है, डॉपिंग है पेंटावेलेंट, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा 83 का। ठीक है, ये बोल रहे हैं सरल लोलक की यानी कि सिंपल मेडम की लेंथ और टाइम पीरियड का ग्राफ क्या है। तो देखो टाइम पीरियड जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रूट एल पे, भाई टी का फॉर्मूला क्या होता है 2π√L/g, तो टी प्रोपोर्शनल टू रूट एल, यानी कि हाइपरबोला आएगा, ए पैराबोला आएगा, स्लोली इंक्रीजिंग पैराबोला, 84 का 2 ऑप्शन। फिर आएगा 85 में आपको बोला है 3 मीटर की रस्सी है जिसे दो रिजिड सपोर्ट के बीच में स्ट्रेच किया गया है और ये तीन लूप में, देखो 3 मीटर की रस्सी है ना, दोनों रिजिड सपोर्ट ने मतलब दोनों तरफ तो क्या बनेंगे नोड बनेंगे, अब तीन लूप भी बनाने, तो 1, 2 और 3, तो इसका मतलब 3 मीटर लेंथ है, तो एक लूप की लेंथ कितनी हुई, एक लूप की लेंथ होगी 1 मीटर। अब ये नोड है और ये एंटी नोड है, अब आपसे क्या पूछा है एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा आधा मीटर, आधा मीटर मतलब कि 0.5 भाई, एक लूप 1 मीटर का होता है ना, तो नोड और एंटी नोड तो आधा लूप के बराबर हुआ, आधा लूप मतलब 0.5 मीटर। 85 का फर्स्ट। फिर आता है सेक्शन बी में, आपको बोला है कि कार जो है वो हॉर्न की फ्रिक्वेंसी 1000 है और ये एक ऑब्जर्वर को पास करता है, रेशियो फ्रिक्वेंसी हॉर्न नोटेड बाय ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर। देखो एक तो कार ऑब्जर्वर जो है वो रुका हुआ है, एक तो कार जब उसके पास आ रही है ना, तो वो फ्रिक्वेंसी मान लो सुनता है F1, एक जब कार उससे दूर जा रही है तो वो फ्रिक्वेंसी सुनता है F2 है
है ना। तो एफ वन और एफ टू का रेशियो जो है, एफ वन क्या आएगा, एफ सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस वी एस, सी माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस ऑफ माइनस वी। क्यों? क्योंकि ऑफ साउंड जो है वो यू जा रहा है ना, और सोर्स उसके अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये वी नेगेटिव आएगा। तो मेरा आंसर क्या आएगा, सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, और ये रेशियो कितना दिया हुआ है, 11/9। तो 9c प्लस 9v बराबर 11c माइनस 11v, तो ये कितना हो जाएगा, 2c बराबर 20v। तो v कितना हो जाएगा, c/10। c/10 मेरा आंसर हो जाएगा इसका मतलब। तो स्पीड ऑफ कार बोला है ना इसमें, तो स्पीड ऑफ कार हो जाएगा c/10। यहाँ पे v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है ना, स्पीड ऑफ साउंड है, तो ये v/10 हो गया आंसर 86 का फर्स्ट। कोई कंफ्यूजन? फिर 87 के बाद ये बोल रहे हैं, देखो थर्मल एक्सपेंशन में सिंपल सा कंसेप्ट है, जितनी भी डिस्टेंस होती है ना, जितनी भी डिस्टेंस, वो सारी की सारी बढ़ती है। तो जितनी डिस्टेंस, आर क्या है, आर एक तरह की डिस्टेंस है, एक्स क्या है, ये भी एक डिस्टेंस है, दोनों बढ़ेंगे, है ना। और यहाँ टेम्परेचर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ये तो देख लेना, तो दोनों बढ़ेंगे, आर भी इंक्रीज और एक्स भी इंक्रीज, मेरा फर्स्ट ऑप्शन हो गया 87 का। फिर 88 बात है, ये बोल रहे हैं टेम्परेचर 5% बढ़ाएंगे तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, देखो पावर ऑफ रेडिएशन जो है टी की पावर 4 पे डिपेंड करता है, छोटे चेंज का मतलब क्या हो गया, एनर्जी भी टी की पावर 4 पे डिपेंड करेगी। तो एनर्जी का परसेंट बराबर 4 टाइम्स ऑफ टी का परसेंट, 4 × 5% कितना हो जाएगा, 20% मेरा आंसर। तो अब देखो 20% तो ऑप्शन में नहीं दिया ना, तो फिर यहाँ थोड़ा अलर्ट हो जाओ, है ना। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक पे जाना पड़ेगा, तो एक बार चलते हैं बेसिक पे। E अपॉन ई डैश बराबर टी अपॉन 1.05 की पावर टी की पावर 4, टी डैश कितना कर दिया आपने, 5% और बढ़ाया ना, 5% ऑफ टी इंक्रीज, यानी कि टी प्लस 5/100 टी ऐसे किया ना आपने, तो 1.05 टाइम्स हो गया। तो एनर्जी क्या हो जाएगी, 1.05 की पावर 4 इंटू ई, ये आएगा। अब 1.505 की पावर 4 आपको सॉल्व करना है, देखो ऑप्शंस एक बार देखते हैं, 25 तो नहीं आएगा, 15 और 12 वैसे ही गलत हैं, क्योंकि अपना आंसर 20 तो ट्रिक से आ रहा था, और हमें पता है कि थोड़ा सा और ज़्यादा आएगा 1.05 की पावर 4 टाइम्स, तो आपका ऑप्शन वैसे ही 4th आ जाएगा 88 का, है ना। ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है भाई, 25 तक तो नहीं पहुँचेंगे कन्फर्म है ना। बाकी आप इससे ई डैश निकालो, और तरीका क्या है, डेल्टा ई परसेंटेज बताना है, तो ई डैश माइनस ई अपॉन ई इंटू 100% कर लो, इससे एग्जैक्ट कैलकुलेशन हो जाएगी। पर कैलकुलेशन मत करो क्योंकि ऑप्शन बड़े प्यारे दिए, 25 तक पहुँचेंगे नहीं, 20 से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, 21.5%। 89 बोल रहे हैं कि ए बी सी को आपने मिलाया, सेम मास को मिला रहे हैं, तो कॉमन टेम्परेचर ए और बी के केस में 16, बी और सी के केस में 23 है, तो ए और सी को मिलाएंगे तो कॉमन टेम्परेचर कितना आएगा। तो देखो जब अपन ए और बी को मिला रहे हैं, तो ए कितना है 12 पे, बी कितना है 19 पे, कॉमन टेम्परेचर कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, इसका मतलब इसको एनर्जी चाहिए, तो इसका टेम्परेचर बढ़ गया 16 12 से, इसने एनर्जी रिलीज करी होगी तो इसने टेम्परेचर कम कर दिया 19 से 16, तो इसका मतलब 4CA बराबर 3CB, एक इक्वेशन तो ये बन जाएगी। फिर वो बोल रहे हैं कि B और C को मिलाया, B और C को टेम्परेचर जो है वो है 19 और 28, और कॉमन कितना आ रहा है, 23 आ रहा है, तो इसका मतलब ये इधर बढ़ाएगा ये इधर घटाएगा, तो मास ऑफ B CB 23 - 19, मास ऑफ CCC और ये हो जाएगा 28 - 23, कितना हो जाएगा 4CB बराबर 5CC। अब भी बोल रहे हैं A और C को मिलाओ, तो A और C को मिलाएंगे, मान लिया कॉमन टेम्परेचर T आया होगा 12 से और ये 28 से T तक गया, तो क्या हो जाएगा MCT - 12 CA, MCC 28 - T, तो पहले तो एम सेम काट दो, सी ए को रख दो, सी बी की टर्म्स में कितना रखोगे बेटा, 3CB/4T - 12, इसको रख दो, सी सी की टर्म्स में कितना आ जाएगा, सी बी की टर्म्स में 4/5 C टाइम्स ऑफ सी किसका, बी का, ठीक है, और ये 28 - T, सी बी से सी बी कट जाएगा, देखो 15T - 12 16 28 - T, है ना। अब 28 - T आ गया ना, तो 15 और 16 T कितना हो जाएगा, 31 T, 16 8 128 का 8 और 12 बचा, 16 2 32 और 12 144,
तो 16 दो 32 और 12 44, तो ये आ गया आपका 448। इधर कितना आएगा, 180 और जोड़ दो तो 448 यानी 628/31। तो टी आएगा 628/31, तो लगभग ये 310 होता। 31 से 20 बार तो आता है 620, तो 20 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, थोड़ा सा ऊपर में मेरा एक ही ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन। तो 89 का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। तो ये सिंपल सा तरीका है, पहले बी और ए की स्पेसिफिक हीट का रिलेशन, फिर बी और सी की हीट का रिलेशन, और फिर उसको यूज कर लो यहाँ पे सॉल्व करने में, है ना। 90 में देखते हैं कि 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर एक कंटेनर में है, किस टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर करें कि इसकी आरएमएस वेलोसिटी जो है वो डबल हो जाए। देखो, आरएमएस वेलोसिटी डबल करने का मतलब क्या होता है, आरएमएस वेलोसिटी जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रूट टी पे। इसका मतलब वी अपॉन 2v बराबर टी अपॉन टी डैश। इसका मतलब कन्फर्म है टी डैश कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ टी, 4 टाइम्स ऑफ 273 + 27, यानी कि 300 का 4 गुना कितना होता है, 1200। 1200 तो ध्यान रखना केल्विन में आ रहा है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो 1200 - 273 यानी कि 927 डिग्री सेंटीग्रेड। पर कन्वर्ट नहीं करना है, केल्विन में आंसर पूछा, 90 का हो गया 1। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? तो 89 का थर्ड था, 90 का 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत? फिर आता है 91 में, बोल रहे हैं कि कार्नो इंजन की इफिशियंसी 1/10 है, एक फ्रिज की तरह काम में ले रहे हैं और 10 जूल वर्क कर रहे हैं, तो कितनी हीट एक्सट्रैक्ट होगी। ठीक है, देखो सिंपल सी बात है, ईटा और बीटा का रिलेशन क्या होता है, ईटा बीटा प्लस 1 = 1, ये 1/10 है, तो बीटा प्लस 1 = 1, बीटा कितना हो जाएगा इससे 9। बीटा का मतलब क्या होता है, Q2 / W = 9, Q2, W कितना दिया है 10, तो Q2 कितना हो जाएगा 90 जूल। फर्स्ट आंसर हो गया 90 का, है ना, 91 का फर्स्ट आंसर। फिर 92 आता है, 92 में देखो आपको कॉलम मैच करना है ना। अब इसके लिए आपको बेसिक फॉर्मूला याद रखने है ना, लेटेंट हीट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे आप, Q = ML, है ना। तो L क्या हो जाएगा, Q/M, Q मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, M1 L1 T - M1 L2 T - 2, M क्या हो जाएगा, M1, तो L2 T - 2, तो लेटेंट हीट हो जाएगा L2 T - 2, A में Q आ रहा है, एक ही में आ रहा है, छोड़ो बाकी सब कंफर्म गलत है, तो 92 का फर्स्ट हो गया, है ना, एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है ना, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है फिर, है ना। 93 में आपका एक पॉइंट चार्ज दिया हुआ है और उसकी पोजीशन वेक्टर दी हुई है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर बताना है। ठीक है, तो देखो पॉइंट चार्ज जो है वो कहाँ दिया हुआ आपको, 2i और 3j पे, है ना। तो 2, 3 पे आपको तो पॉइंट चार्ज क्यू रखा हुआ है, पॉइंट है 8i और -5 पे, तो इधर की तरफ कहीं पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको पोजीशन, आपको फील्ड बताना है, तो फील्ड में देखो इसका फील्ड इधर ही आएगा ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट तो आएगा पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट क्या आएगा, नेगेटिव। तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, एक बार डायरेक्शन चेक करो, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, वाई कंपोनेंट नेगेटिव, मेरे पास एक ही आंसर है ना, नहीं, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, दो आंसर है। ठीक है, तो मेरे ये दो ऑप्शन तो गलत हो गए कम से कम, तो 93 के मेरे पास 2 और 4 में से कोई एक आंसर बचेगा अब, तो एक बार चेक करना पड़ेगा वैल्यू को, है ना। तो निकालते हैं, तो इन दोनों पॉइंट का सेपरेशन निकालते हैं एक बार, तो अपना ई क्या आ जाएगा, KQ/R² (R⁻), है ना, तो KQ R⃗ / R³ ये आ जाएगा। अब पहले आर वेक्टर निकाल लो, इस पॉइंट का वेक्टर उसके रिलेटिव, ये कितना था 8, -5, ये कौन सा था 2, 3, तो आर वेक्टर क्या आ जाएगा मेरे पास 8i - 5j - 2i + 3j, तो ये हो जाएगा 6i - 8j, तो 6i - 8j आ जाएगा, तो 6i k हो जाएगा 9 × 10⁹, क्यू कितना है 50 माइक्रो, मतलब 10⁻⁶, आर कितना है, आर है 10³, है ना, और ये कितना है 6i - 8j - 8j। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तब इसको सॉल्व करोगे तो 10³, 3 से वो 3 पावर कटेगी, 6 × 3 = 9, 9 से 9 कट जाएगी, तो आपके पास आएगा 9 × 5 = 450, 450 और 2 इधर लेको तो 900, 900, 900, मेरा आंसर हो गया फोर्थ ऑप्शन, इसको सॉल्व कर लो बेटा आप, है ना। 94 में आपको क्या बोला है कि यदि बाहर वाले पे अपन क्यू चार्ज दे तो बाहर अंदर वाले पे कितना आएगा, देखो बाहर वाले पे अगर प्लस क्यू चार्ज दे तो अंदर वाले पे एक्स मान लेता हूँ,
अब ए ग्राउंडेड है ना, तो उसका नेट पोटेंशियल क्या होना चाहिए? जीरो, तो वी ए आना चाहिए जीरो। खुद की वजह से कितना आएगा? के एक्स बाई ए। अंदर वाले के से कितना आएगा? बाहर वाले के से के क्यू बाई बी, जीरो। तो एक्स कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ क्यू ए बाई बी, माइनस ऑफ क्यू ए बाई बी। अच्छा, नेगेटिव चार्ज आएगा तो कन्फर्म है ना, तो आपका थर्ड और फोर्थ में से कोई एक आंसर बनना चाहिए। थोड़ा ऑप्शन क्रॉस चेक कर लिया करो। तो 94 का क्या हो जाएगा? फोर्थ। 95 में बोला है कि इस स्क्वायर की फेस से कितना चार्ज निकलेगा। देखो, एक स्क्वायर अगर ऐसे रखा है ना, और यहाँ पे आपने एक चार्ज रखा है, तो इसको इनक्लोज करने के लिए आपको कितना वो चाहिए? आपको चार फेस और ऐसे लगाने पड़ेंगे ना। तो जो ए बाई टू हाइट पे है, वो एक्चुअली बॉडी का सेंटर हो गया ना क्यूब के केस में। तो टोटल फ्लक्स जो क्यूब का आएगा वो कितना आएगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और एक फेस का कितना आएगा? क्यूब का जो आया है उसका डिवाइड बाय 6 करना है। तो डिवाइड बाय 6 करोगे तो आपका थर्ड आंसर आ गया 95 में। फिर 96 आता है, तो 95 में थर्ड आ गया। अगला आता है 96। 96 बोला है कि इनर आउटर रेडियस जो है वो स्फेरिकल कंडक्टर की है, डायलैक्ट्रिक भरा है, कैपेसिटी क्या होगी? देखो, तो जब कोई कैपेसिटर की इनर आउटर रेडियस दी जाए स्फेरिकल कंडक्टर में, तो फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी अपॉन बी माइनस ए, और एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर भी लगा दो, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर। ए बी कितना दिया है? 50। और तो देखो, इसको मैं 1/k लिख सकता हूँ ना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को। दो, मैं इसको एक बार ऐसे लिख देता हूँ, ए बी और बी माइनस ए, ठीक है। ये हो जाएगा 1/k εr ए बी बी माइनस ए। चलो, एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या थी अपने पास? 6 दिया हुआ है। के कितना होता है? 9 10 पर 9। ए बी कितना है? 50 और 60, और ये कितना है? 60 माइनस 50। अभी सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा ना, तो एक 10 पर -2 लगा दो स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए। तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये? अब देखो, सॉल्व करेंगे इसको, तो 6 बाई 9 10 टू द पावर -9 है ना, इधर आ जाएगा 10 10 पर -2, ठीक है। तो इधर कितना आ जाएगा? 0 से 0 खत्म है ना, -9 और -2 -11 और +9, तो -9 बचेगा है ना, 6 18 9 2, तो 2 नैनो फेरेड। तो 2 नैनो फेरेड यानी कि मेरा फर्स्ट आंसर आ जाएगा 96 में, ठीक है। फिर 97 में आपको बोला है कि 4.5 माइक्रो फेरेड पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो देखो, सिंपल सी बात है, पहले इसको सॉल्व करो, 6 और 3 कितना हो जाएगा? 9। अब मुझे V1 बताना है, तो हमें पता है कि V1 क्या होता है। सीरीज यहाँ चार तो सेम रहेंगे ना, तो चार सेम रहेंगे तो क्यू सेम है, इसका मतलब सी जिसका ज़्यादा उसका वोल्टेज कम होना चाहिए। तो V1 बराबर VC2 अपॉन C1 प्लस C2। 12, C2 कितना है? 9, 4.5 प्लस 9, तो कितना रहेगा? 12 2/3, तो ये जाएगा 8 वोल्ट। 8 वोल्ट का मतलब मेरा आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 97 में, है ना। तो बिल्कुल, यहाँ पे C2 जो है वो 9 को C2 मान लो, और C 4.5 को C1 मान लो। फिर अगला आता है 98, तार को खींच के उसकी लेंथ 0.5% बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा। तो देखो, जब खींच के बढ़ाते हैं ना, तो रेजिस्टेंस जो है वो एल स्क्वायर पर डिपेंड करता है, मतलब आर का परसेंटेज इज 2 टाइम्स ऑफ लेंथ परसेंटेज। तो कितना हो जाएगा? 2 × 0.5% यानी कि 1% का चेंज आ गया, 1% आ गया 98। फिर 99 में आपको बोला है कि अगर मान लो आर पे इतना फर्स्ट सेल जो है उस पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ रहा है, फर्स्ट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आने का मतलब VT1 जीरो आ रहा है ना। तो VT1 जीरो आने का मतलब क्या है? E-I R1 बराबर जीरो। अब I कैसे निकालोगे? टोटल सेल का EMF, E प्लस E टोटल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R इंटू R1 जीरो। तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 1 -2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R बराबर जीरो। तो सॉल्व करोगे तो R1 प्लस R2 माइन प्लस R -2 R1 बराबर जीरो, यानी कि R2 प्लस R बराबर R1 ये आ गया। तो क्या आंसर आएगा मेरे पास? R बराबर R1 माइनस R2। तो R बराबर R1 माइनस R2 यानी कि मेरा थर्ड ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो गया 99 में। फिर अगला आता है 100। 100 में बोला है कि एक इलेक्ट्रिक केटल है, इसमें स्विच चालू करने के बाद 15 मिनट में पानी गर्म होता है ना। अब इस तार की लेंथ को आपने 2/3 कर दिया है ना। तो देखो, हीटिंग वायर की लेंथ को आपने
टू थर्ड कर दिया इनिशियल वैल्यू का, तो सेम अमाउंट ऑफ वाटर कितने टाइम बाद बॉइल होगा? देखो हमें हीट चाहिए इतनी, एम सी डेल्टा टी जितनी हीट चाहिए बॉइल करने के लिए। कौन देगा ये? हीटर। हीटर की पावर क्या होती है? वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर पावर इंटू टाइम। मतलब डेल्टा टी जो है वो डायरेक्टली रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। आपने लेंथ कम कर दी है ना, लेंथ कम कर दी तो रेजिस्टेंस कम हो गया, रेजिस्टेंस कम हो गया तो टाइम जो है वो क्या लगेगा? कम लगेगा। तो रेजिस्टेंस आपने टू थर्ड किया है तो टाइम भी टू थर्ड हो जाएगा। टू थर्ड मतलब कि 10 मिनट। तो आपका सेओ का आंसर क्या हो जाएगा? 2। इसका मतलब डेल्टा टी बाई डेल्टा टी डैश आर अपॉन आर डैश। यहाँ ध्यान रखना वायर को अपन ने कंप्रेस नहीं किया है, वायर को अपन ने काटा है। मतलब पहले एल लेंथ का वायर था है ना, अब आपने 2/3 एल लेंथ का वायर लिया है, लेकिन पहले जो एरिया था क्रॉस सेक्शन का वो अभी भी वही है ना, पहले जो एरिया था वो एरिया अभी है। तो रेजिस्टेंस केवल इसका अगर आर है तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3 आर। तो रेजिस्टेंस कम करने से हीटिंग ज़्यादा हो जाएगी, हीटिंग ज़्यादा होगी टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा तो आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 10 मिनट। तो बच्चों ये हमारा नीट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन जो है वो अच्छे समझे होंगे और अपनी नीट की प्रैक्टिस को आप इसी तरह से कंटिन्यू कीजिए ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए। ओके बच्चों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।